आगरा में एक तोते की वजह से एक कातिल पकड़ा गया। पुलिस को जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तब अपनी मालकिन के हत्यारे का सुराग तोते ने दिया। क्या कही थी? बता क्या कही थी? 27 साल के मिट्ठू ने 20 फरवरी की रात अपनी मालकिन नीलम शर्मा की हत्या होती देखी। जिसने हत्या की उसे अंदाजा नहीं था कि एक चश्मदीद गवाह उसे देख रहा है। बाद में इसी तोते ने राज खोल दिया। परिवार वालों ने जब उसके सामने कई नाम लिए तो भांजे आशु का नाम आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने बार बार कहा मैंने फलाना आदमी था, नहीं नहीं आशु था। आशु से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने राज खोल दिया। बताया कि पैसों की खातिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने अपनी मामी की हत्या की। हत्या के समय उसने अपने घर के पालतू कुत्ते को मार डाला था, लेकिन तोते पर नजर नहीं पड़ी। पुलिस ने साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और सामान भी बरामद किया है। वहाँ पर मौके से जितनी भी चीजें इन्होंने लूटी थी, मंगलसूत्र, सोने की चैन, घड़ी, अंगूठी और बिछिया, उनकी पर्स, चूड़ी और साथ ही साथ जो 4000 रुपए जो लूटे थे वो सारे के सारे बरामद हुए। और टप्पी को भी मारा था। परिवार अब इस तोते का शुक्रगुजार है। सिर्फ इंसान ही जानवरों की तरह हरकत नहीं करते, कई बार जानवर भी इंसानों जैसे काम करते दिखाई पड़ते हैं। आगरा से नसीम अहमद की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।